US डॉलर। US डॉलर दुनिया की 10वीं सबसे मजबूत करेंसी है और ये दुनिया की सबसे अधिक कारोबार वाली करेंसी भी है। इसके लगातार मजबूत होने का मुख्य कारण इसके बहुत सारे खरीदार हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के उद्देश्य से। और एक US डॉलर भारत के 70 से 75 रुपए के बीच रहता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड करेंसी है, इसलिए इसका रेट हर घंटे बदलता रहता है। साथ ही US में सबसे कम प्रति घंटा वेजेस लगभग 12 डॉलर है, जिसके कारण US दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला देश भी है। और एक पूरी तरह से समृद्ध देश होने के कारण 2 मिलियन से ज्यादा भारतीय US में मौजूदा समय में कार्यरत हैं। हालांकि एक सर्वे के अनुसार US में एक व्यक्ति के एक महीने का स्टैंडर्ड खर्च 2500 से 3000 डॉलर तक आता है। खैर, अब जानते US से भी ज्यादा मजबूत करेंसी और सैलरी वाले देश के बारे में। नंबर 9, बर्मुडियन डॉलर। बर्मुडियन डॉलर नाम से ही पता चल रहा है कि बर्मुडा की करेंसी है, जिसकी करेंसी का सिंबल सेम US डॉलर की तरह ही है। वैसे एक बर्मुडियन डॉलर भारत के लगभग 73 रुपए के बराबर ही माना जाता है। और बर्मुडा की मात्र 71,000 की इतनी कम आबादी के कारण ये दुनिया का 4वां सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला देश भी है, जहाँ पर हर व्यक्ति साल का पर कैपिटा औसतन 1,219 डॉलर कमाता है, यानी लगभग 75 लाख रुपए सालाना भारतीय रुपए के अनुसार। वैसे सर्वे के मुताबिक यहाँ एक व्यक्ति का औसतन महीने का खर्च 1833 से 2000 बर्मुडन डॉलर आ जाता है। और बर्मुडा में अधिकतर लोग इंश्योरेंस या फाइनेंस सर्विस में ही काम करते हैं। फिलहाल अब इससे भी मजबूत करेंसी और सैलरी वाले देश में चलते हैं। नंबर 8, स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक एकमात्र ऐसी करेंसी है जिसे हर जगह स्वीकार किया जाता है, जितने भी धरती पर देश हैं सब में, जो कि स्विट्जरलैंड और लिंचिस्तीन की करेंसी है। ये दोनों देश दुनिया के सबसे महंगे देशों में आते हैं, जहां एक व्यक्ति का महीने का खर्च लगभग 2000 फ्रैंक आता है और एक फ्रैंक भारत के 81 रुपए के बराबर है। वैसे मौजूदा समय में स्विट्जरलैंड में 24,000 से ज्यादा भारतीय एम्प्लॉय वहां कार्यरत हैं, जहाँ की औसतन सैलरी 10 से 12,000 फ्रैंक के बीच है, जिस वजह से दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला देश है। और स्विस गवर्नमेंट और वहाँ की फाइनेंस सिस्टम के कारण आज वहाँ की करेंसी इतनी स्ट्रांग है। तो अब चलते हैं इससे भी ज्यादा पर। नंबर 7, कैमेनियन डॉलर। कैमेनियन डॉलर कैमेन आइलैंड की करेंसी है, जो क्यूबा और मेक्सिको जैसे देशों से अपना बॉर्डर साझा करता है। कैमेन दुनिया के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले देशों में आता है और इसका सबसे बड़ा आय का स्रोत फाइनेंशियल सर्विस और टूरिज्म है, क्योंकि यही दुनिया का सबसे बेस्ट बीच का वोट पाने वाला 7 माइल मौजूद है। पर इस देश की कुल आबादी मात्र 65,813 लोगों की है, जिसमें से 1,000 भारतीय हैं। और यहाँ का एक कैमेनियन डॉलर भारत के 88 रुपए के बराबर है। तो इसी तरह जानते हैं एक और स्ट्रॉन्ग करेंसी के बारे में। नंबर 6, यूरो। दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी की बात हो रही हो और यूरो का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। दरअसल इसके मजबूत होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि दुनिया के 19 विकसित यूरोपियन देशों में इसे यूज किया जाता है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, लुक्जमबर्ग और स्पेन जैसे सफल देश भी शामिल हैं। और इन सारे देशों की प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती है। और इन 19 देशों में आप कहीं भी इम्प्लॉय हैं या कार्यरत हैं, तो एक यूरो भारत के 89 रुपए के बराबर है। और सिर्फ अगर यूरो के एक देश जर्मनी के बारे में समझे, तो वहाँ का सबसे कम मंथली सैलरी है 1614 यूरो। इसका मतलब है भारतीय करेंसी के हिसाब से 1.5 लाख रुपए। खैर, अब चलते हैं इससे भी ज्यादा पर। नंबर 5, पाउंड स्टेलिंग। ये बात तो हम सब जानते हैं कि पाउंड यूके की करेंसी है, जिसकी करेंसी को GBP नाम से भी जाना जाता है, यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। इसका उपयोग ब्रिटेन के अलावा द सैंडविच आइलैंड और तिश्तीन दी कुना देश में भी किया जाता है, जहां पर एक आदमी के महीने का स्टैंडर्ड खर्च औसतन 700 GBP तक आता है। वैसे यूके में जॉब मिलना काफी मुश्किल होता है, पर जो यूके में एक बार सेट हो गया उसकी लाइफ सेट मानी जाती है, क्योंकि वहां की औसतन सैलरी भी 29,000 से 31,000 GBP तक होती है। और एक पाउंड स्टेलिंग भारत के 102.9 रुपए के बराबर है, यानी वहाँ का औसतन आदमी 30 लाख रुपए महीना कमाता है,
भारत के अनुसार। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अगर कोई भारतीय बाहर कमाने जाना चाहता है तो उसकी सबसे पहली पसंद या उसका सबसे पहला ख्याल यूके या अमेरिका ही आता है। वैसे दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में जिन देशों की नागरिकता लेना सबसे आसान है उनके बारे में बताया है, पर अगर आप चाहते हैं कि हम यूके की नागरिकता कैसे लें उस पर वीडियो लाएं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल अब इससे भी ज्यादा पर चलते हैं। नंबर 4, जॉर्डिनियन दिनार। जॉर्डिनियन दिनार वैसे तो जॉर्डन की ऑफिशियल करेंसी है, पर इस मुद्रा को जॉर्डन के अलावा फिलिस्तीनियन टेरिटरीज और फिलिस्तीन में भी मान्यता मिली हुई है। और जॉर्डिनियन दिनार भारत के लगभग 103 रुपए के बराबर है। वैसे सर्वे के अनुसार जॉर्डन में टैक्स देकर एक परिवार का कुल खर्च लगभग 1697 से 1800 जीओडी आता है, जहां पर लगभग 10 लाख से ज्यादा दूसरे देश के एम्प्लॉई हैं और जॉर्डन में जाकर अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, जिसमें से 60% भारतीय वहां के सिर्फ गारमेंट सेक्टर में कार्य रहते हैं, बाकी के 40% आईटी, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पूरी तरह कार्य रहते हैं। हालांकि यहां की औसतन सैलरी 1610 से लेकर 7190 के बीच में रहती है अधिकतर एम्प्लॉय की। खैर, अब चलते हैं इससे भी ज्यादा पर। नंबर 3, ओमानी रियाल। ओमानी रियाल ओमान देश की ऑफिशियल करेंसी है, जो कि एक अरब इस्लामिक देश है और यूएई और सऊदी अरेबिया से अपना बॉर्डर साझा करता है, जिसकी कुल आबादी मात्र 48 लाख लोगों की है और लगभग 1.71 मिलियन विदेशी लोग वहां काम करते हैं, उसमें से भी 4.5 लाख भारतीय एम्प्लॉई हैं। दरअसल ओमान की करेंसी इतना अधिक मजबूत होने का मुख्य कारण ये है कि इसे 1000 बैसा में विभाजित किया जाता है। दूसरा, इसके पास अमेरिकी डॉलर का महत्वपूर्ण भंडार है। और तीसरा, ओमान भी दुनिया का प्रमुख तेल उत्पादक है, जहां का एक रियाल भारत के लगभग 190 रुपए के बराबर है। और ओमान के सबसे लोअर पोस्ट के एम्प्लॉय की औसतन सैलरी 1770 ओएमआर मानी जाती है। हालांकि अब चलते हैं इससे और ज्यादा पर। नंबर 2, बहरीन दिनार। बीएसडी यानी बहरीन दिनार दरअसल बहरीन देश की ऑफिशियल करेंसी है, जो सऊदी अरब के पास अरब की खाड़ी में एक द्वीप है। दरअसल इसको दुनिया का दूसरा सबसे महंगा करेंसी माना जाता है, जिसका पूरा श्रेय बहरीन के सेंट्रल बैंक को जाता है, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा अंग बन गया है, जहां पर औसतन सैलरी 1480 बीएसडी है, यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से लगभग 2,87,000 रुपए, क्योंकि बहरीन का एक दिनार लगभग भारत के 194.2 रुपए के बराबर है। वैसे यहां का एक क्लीनर की सैलरी भी 430 से 480 बहराइन दिनार तक रहती है, जिसके कारण ये दुनिया का 19वां सबसे ज्यादा पर कैपिटा वाला देश है। तो अब चलते हैं इससे भी ज्यादा पर। नंबर 1, कुवैती दिनार। ये करेंसी सिर्फ वेस्टर्न एशिया के कुवैत में मान्य है। कुवैत की करेंसी का इतना ज्यादा